मदरसा जामिया अनिसुल उलूम में सालाना जश्न दस्तारबंदी जलसा मुनाकिद हुआ। जलसे का आगाज़ तिलावत कुरान पाक के साथ हुआ। इसके बाद बारगाह रिसालत में मौलाना कारी आतिक ने नात पाक का नजराना पेश किया। जलसे को खिताब करते हुए उलेमाए दीन ने कहा कि इस्लाम हमें इंसानियत, प्यार मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। हमें अपने बच्चों की दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी ज़रूर देनी चाहिए, जिससे उनमें हर बात को समझने की काबिलियत पैदा हो। जलसे को मौलाना मुफ्ती सैफ अली और मौलाना अल्लामा मोहम्मद अकील ने खिताब किया। जलसे के बाद मदरसे से हाफिजकारी और मौलवियत की तालीम मुकम्मल कर 30 तुलबा की दस्तारबंदी की गई। इसमें 15 हिज्फ, 9 किरात और 6 ने मौलवियत की पढ़ाई पूरी कर चुके सभी तुलबा को इनामात देकर और गुलपोशी करके विदा किया। दस्तारबंदी और जलसे में प्रबंधक मौलाना हारून नईमी, मोहम्मद ग्यासुद्दीन मिसबाही, मौलाना हसन, अल्लामा अरशद, मुफ्ती रियाज मजहरी, मौलाना नाजिम, मौलाना अहमद रज़ा, मौलाना शारिक, मौलाना उरूस कादरी, मौलाना इम्तियाज, मौलाना अहमद रज़ा, मौलाना उवेज, मौलाना तौसीफ, कारी मौलाना अनस, मोहम्मद रज़ा, मुफ्ती नईमुद्दीन, मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन, मुफ्ती दानिशल कादरी, मुफ्ती जियाउर मुस्तफ़ा, मुफ्ती मुस्लिम कारी, रफ़ीज़ अशरफ, कारी इंतज़ार, कारी महफूज, मुफ्ती तैयब, मुफ्ती अफजल, मुफ्ती अयूब अजहरी, मौलाना हबीबुल रहमान, कारी मुस्तफ़ा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। माहौल होता मुस्तफा करीम की सुन्नतें हमारे घरों के अंदर होती, कि ये हमारी बच्चियां अपना दीन समझती, अपने मजहब को समझती, तो अगयार के यहां पर कभी लेकिन हमने तुझे पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह वसल्लम चार आयत करीमा में कुरान का तारुफ है। कुरान फरमाता है وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, यह कुरान के तारुफ का पहला जुमला है। कुरान अल्लाह ताला की जानिब से, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाली किताब है। कुरान अल्लाह की उतारी हुई मुबारक किताब है। यह कुरान के तारुफ में पहला जुमला है। एक जुमला है, इसने कई मसले हल कर दिए। कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये कुरान अल्लाह की तरफ से उतारी हुई किताब है। दस्तारबंदी का जलसा है, उसी सिलसिले में प्रोग्राम रखा गया है। ये सालाना जलसा होता है, साल में एक बार प्रोग्राम होता है दस्तारबंदी का। जो बच्चे हिफ्स रात ओलवे सफारी होते हैं, उनको सनद दी जाती है और मार्कशीट दी जाती है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है हिफ्स का, किरात का, मौलवियत का। तो उसको एक जलसे की शक्ल में प्रोग्राम करने के बाद तब उनको सनदों से नवाजा जाता है। आज उसी जलसे का ये प्रोग्राम दस्तारबंदी का, इसी में सब उलमा हज़रात हाजिर हैं। बस हमारा मकसद ये है कि तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए। तालीम हर घर में तालीम होनी चाहिए, तालीम की सब सबूत है।
तालीम से हमारा समाज, हमारा मुआशरा सुधरेगा। इसी